देश भर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश का इंदौर हॉटस्पॉट बना हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के संक्रमण का मामला तेजी से फैल रहा है। अब तक इंदौर में 328 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, वहीं 33 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इंदौर में कई डॉक्टर्स और नर्सेज मानवता की सेवा में लगे हुए हैं और कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं। मानवता की सेवा में लगे कई डॉक्टर्स और मरीज खुद भी इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं और कुछ को तो इस भयानक विपदा ने अपना ग्रास भी बना लिया है। हाल ही में खबरें सामने आई थी कि बॉम्बे हॉस्पिटल के एक डॉक्टर और एक नर्स को कोरोना वायरस संक्रमण हो गया है। इसका खुलासा MGM मेडिकल द्वारा जारी रिपोर्ट में हुआ था। इससे पहले इंदौर में दो डॉक्टर्स की कोरोना से मौत हो चुकी है। MBBS डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी कोरोना के मरीजों का इलाज करते हुए खुद भी संक्रमण की चपेट में आ गए थे। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि वो लगातार अपने क्लिनिक पर मरीजों का इलाज करते रहे। उनके क्लिनिक पर मरीजों की भारी भीड़ रहती थी। वो रोज 200 से 250 पेशेंट देखते थे। उनके क्लिनिक पर सैफी नगर और गुलजार नगर जैसे मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के मरीज ज़्यादा पहुंचते थे। आशंका है कि किसी मरीज से उन्हें कोरोना का संक्रमण हुआ। सिंधी समाज से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी 1985 में पाकिस्तान से भारत आए थे। उन्होंने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से 1983 में MBBS किया था। इंदौर को अपनी कर्मभूमि बनाया और यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की। डॉक्टर पंजवानी ने यहाँ रूपराम नगर में क्लिनिक खोला। इसके अलावा वो त्रिवेणी मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस करते थे। 62 साल के पंजवानी के 3 बेटे हैं। तीनों ऑस्ट्रेलिया में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। समय की त्रासदी ऐसी है कि बेटे अपने पिता को मुखाग्नि नहीं दे पाए। उन्होंने मोबाइल फ़ोन पर वीडियो कॉल के जरिए अपने पिता के अंतिम दर्शन किए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। भारत से फ्लाइट बंद होने के कारण बेटे ऑस्ट्रेलिया में फंसे हुए हैं। महामारी के इस दौर में डॉक्टर पंजवानी जनसेवा में लगे थे। गले में खराश और बुखार होने पर डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी ने 22 मार्च को दूसरे डॉक्टरों से कंसल्ट किया और अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। 30 मार्च को तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो उन्होंने फिर डॉक्टरों से कंसल्ट किया। डॉक्टरों के परामर्श के मुताबिक 3 अप्रैल को उन्होंने कोरोना की जाँच के लिए अपना सैंपल दिया, जिसमें उनकी पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई। उसके बाद 4 अप्रैल को भी जांच कराई गई, जिसमें दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई, लेकिन 5 अप्रैल को उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई। डॉक्टर पंजवानी को पहले गोकुलदास अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां से CHL हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। यहां भी सेहत में सुधार न होने के कारण उन्हें अरबिंदो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। यहाँ वो कोरोना से जंग हार गए और उनकी मौत हो गई। डॉक्टर पंजवानी की मौत लोग भूले भी नहीं थे कि 10 अप्रैल को इंदौर में एक और डॉक्टर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ओम प्रकाश चौहान पहले से ही डायबिटीज़ के मरीज थे। लॉकडाउन के बाद वो अपना निजी क्लिनिक चला रहे थे। उस दौरान वो कोरोना से संक्रमित हो गए। डॉक्टर ओम प्रकाश चौहान की मौत से 3 दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। वहीं हाल ही में रीवा ज़िले के सिमरिया के रहने वाली श्रेया इंदौर के नर्सिंग कॉलेज में अंतिम वर्ष की पढ़ाई करने वाली छात्रा थी, जो कोरोना महामारी से पीड़ित मरीजों का इलाज करते हुए खुद संक्रमित हो गई। श्रेया कोरोना से जंग हार गई। श्रेया के पिता सुरेश तिवारी पुलिस में हैं, लेकिन लॉकडाउन में ड्यूटी लगी होने के कारण वो अपनी बेटी के अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए, या यूं कहें कि अपनी बेटी को अंतिम विदाई भी नहीं दे पाए। क्या गुजरी होगी इस वीरांगना बेटी के पालक की छाती पर, यह आपके लिए और हमारे लिए सोचना भी मुश्किल है। श्रेया के चाचा को दूर से अंतिम दर्शन कराकर उसका दाह संस्कार कर दिया गया। हमारा आपसे अनुरोध है कि इन सब वीरों के बलिदान का सम्मान करिए। ये आपके लिए अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं।
जो अपना घर, अपना परिवार सिर्फ आपको और हमको सुरक्षित रखने के लिए बलिदान देने से भी गुरेज नहीं खाते, क्योंकि इन्हें अपने कर्तव्य की शपथ याद है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम सिर्फ घरों में रहकर इनके कर्तव्य निर्वहन में इनका साथ दें। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।